Audio Jungle. यमुना विहार पार्षद प्रमोद गुप्ता द्वारा पूरे वार्ड में लगातार सैनिटाइज कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप रिक्शे में रखी मशीन देख रहे हैं। मशीन का तिलक कर आरती करते ये निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता हैं। उनके साथ उनके वार्ड के मलेरिया इंस्पेक्टर विवेक के साथ उनकी पूरी टीम है। ये मशीन कृषि यंत्रों की मदद से खुद पार्षद प्रमोद गुप्ता ने बनवाई है। दरअसल वे अपने वार्ड में बड़े ट्रक से सैनिटाइज करा रहे हैं। छोटी गलियों में ट्रक न जाने से वहाँ की जनता इससे वंचित रह जाती है। इसी समाधान के लिए उन्होंने एक छोटी सैनिटाइज मशीन खुद तैयार कराई, जिसका शुभारंभ सुभाष बिहार में किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वार्ड के, अपने इस क्षेत्र के सभी लोगों का। मैं देख रहा हूँ अभी तक भगवान की कृपा से हमारे क्षेत्र बचा हुआ है, बहुत कम केसेज हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग, बहुत चंद लोग हैं जो इसको पूरी तरह से अभी नहीं मान रहे। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इस लॉकडाउन का पालन करें, कि यही एक बचाव है हमारे लिए। और इस क्षेत्रवासियों ने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, हमारे सफाई कर्मचारियों का सही मायने में हृदय से जो अब इतना शानदार अभिनंदन किया है, ये लोग कभी भूलेंगे नहीं, हम कभी भूलेंगे नहीं। और अपने काम के रूप में, अपनी जिम्मेदारी के रूप में हम इस काम को करके दिखाएंगे। इस अभिनंदन का जवाब हम अपने काम से देंगे, और पूरा प्रयास रहेगा, सभी लोगों का सहयोग रहा तो हमारा क्षेत्र कोरोना महामारी से बचा। ना सिर्फ MCD कर्मचारी, हर वो व्यक्ति जो जनता और कोरोना के बीच में खड़ा हुआ है, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे मीडिया के जन हों, चाहे वो बिजली विभाग में बैठा व्यक्ति है, क्योंकि उसको पता है बिजली आएगी तभी सारा काम होगा, चाहे स्वास्थ्यकर्मी है, हमारे सफाई कर्मी है, हर वो व्यक्ति जो कोरोना और जनता के बीच में एक दीवार बन के खड़ा है, उसको सलाम किया है सुभाष विहार के लोगों ने, उनका सम्मान किया है। एक सिंबल मात्र है, इस माध्यम से पूरे क्षेत्र को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, हृदय से आपका सम्मान करते हैं। मैं सभी कर्मचारियों की तरफ से, MCD वर्कर्स की तरफ से, यहाँ के क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। देखिए, डिमांड बहुत ज़्यादा थी हमारे पास, हेल्थ कर्मचारियों के साथ में पिट्ठू बैग था, पिट्ठू बैग होने से और बड़ा टैंकर होने से हम लोग सारे में काम कर रहे थे, मगर फिर भी जिस तेज़ी से लोगों की मांग थी वो हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए कुछ विचार आया, तो हमने कुछ कृषि के यंत्र ढूंढ़ान के कहीं से मंगाए, उसको एक रिक्शे में लगाकर आज प्रयास किया है कि जिन गलियों में कोई बड़ा व्हीकल नहीं जा पा रहा, वहाँ पर भी अच्छे से सैनिटाइज हो सके। आज ये नया प्रयास आज यहाँ से चालू किया है, देखते हैं कितना कामयाब होगा। आशा है कि ये उम्मीद से अच्छा काम करेगा, अगर ये कामयाब होता है तो और भी हम ऐसे आगे इसे बढ़ाएंगे। पिछले 22 मार्च से हमारे पार्षद श्री प्रमोद गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सारी टीम पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी से लगी हुई थी। आज उसी क्रम में सुभाष विहार के लोगों ने सभी कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे सफाई कर्मी हो, सभी का हौसला अफजाई करने के लिए पुष्पमाला और फूल बरसाकर जो स्वागत किया है, सभी का आभार करते हैं, बहुत ही बहुत अभिनंदन और उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि इस मुसीबत के दौर में, इस परेशानी की घड़ी में, इस वैश्विक महामारी में जितने भी निगम कर्मी हैं, सभी जो है अपने जीवन और जान की परवाह करते हुए हमारे वार्ड की जो भी जनता है, उन सभी जनता को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए पूरा प्रयास और पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम सभी मिलकर, एकजुट होकर, संयुक्त प्रयास से हमारा पूरा कोशिश और प्रयास है कि इन सभी लोगों को इस महामारी से बचाएं। इन सभी का साथ और सहयोग सराहनीय है, अपेक्षित है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ये लोग हौसला अफजाई करते रहें, साथ और सहयोग देते रहें। अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। जी हाँ, इस तरह फूलों की वर्षा आपने किसी बड़े मंत्री या नेता के ऊपर होती देखी होगी, मगर यहाँ जो इलाके की जनता अपनी छतों व बालकनियों से फूल की वर्षा कर इन निगम स्वच्छता कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत और सम्मान कर रही है, वो वाकई इस कोरोना महामारी में हमारे जीवन की सुरक्षा में लगे कर्मियों के जज्बे को एक तरीके से सलामी है। फूलों की गले में माला पहनाकर जनता ने पहले निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता का स्वागत किया, फिर एक एक कर सभी स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया। छोटी छोटी गलियों में इस मशीन से जब सैनिटाइज किया तो जनता के चेहरे पर रौनक दिखाई देने लगी। अब जनता ने जो कहा आप खुद सुनिए। हमारे और कोरोना के बीच में जो हमारे सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, जो टीम लगी हुई है हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो हमारे देवताओं के समान है। इसलिए आज इसी कड़ी में हम लोगों ने स्वागत किया है, और क्षेत्रीय निगम पार्षद के अथक प्रयासों से एक नई मशीन
जो खेती के उपकरण से जोड़कर बनाई गई है और ये सुभाष विहार के क्षेत्र के लिए बनाई गई है। इसीलिए कि मेरी भी अपनी इच्छा थी कि एक मशीन कोरोना से निपटने के बाद खरीदें। गलियों के अंदर बड़ी गाड़ी पहुंच नहीं पाती थी और उससे जो है लोग एक डर के माहौल में जीते थे। कोरोना वायरस जो है ज़्यादा फैला हुआ है और उस कारण को देखते हुए आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी ने छोटी मशीन का करा और जिससे कि जो है पतली पतली गलियों को भी जो है सैनिटाइज सही तरीके से हो जाए और सुभाष विहार या यमुना विहार वार्ड पूरा कोरोना वायरस से ख़त्म हो जाए। और मैं बड़ी सराहना करता हूँ प्रमोद गुप्ता जी की। सर बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि पहले जो गाड़ी आई थी वो तो बाहर से बाहर चली गई थी। अब जो ये इन्होंने जो प्रमोद जी ने अपनी गली में करवाया है, अपने पैसों जो खरीद के जो अपने यहाँ से मशीन लगवाई है और हर गली हर जो इलाके हर गली के अंदर सब मकानों पर जो छिड़का गया, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने ये और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई मशीन नहीं आई थी और हम लोगों को इससे थोड़ा डर भी लग रहा था कि गेट वगैरह से कुंडी उंडी बजाने के लिए। ये जो इन्होंने किया है ये बहुत अच्छा किया है। प्रस्तावर्धन इसलिए किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर हमारे प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा समय समय पर सफाइयाँ होती रहती हैं। जब जब हम इन्हें बुलाते हैं वह हमेशा अपने दलबल सहित यहाँ पर पहुँचते हैं और इनका हौसला अफजाई करने के लिए आज हम सभी ने अपने क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया है कि इन लोगों का हौसला अफजाई किया जाए ताकि दिन रात जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं इनका हौसला बढ़े। इस कोरोना महामारी में संक्रमण से बचाने के लिए जिस तरह से पार्षद प्रमोद गुप्ता जनसेवा में लगे हैं, उनकी वार्ड की जनता भी उनके इस प्रयास की सराहना करते नहीं थक रही है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।